नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टेक रिबन इस यूट्यूब चैनल में। तो वन प्लस 8 प्रो ये फ़ोन काफ़ी अलग है वन प्लस के बाकी स्मार्टफोन से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप है, 120Hz रिफ्रेश रेट है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। ये मैं थोड़े नेगेटिव साइड में कह रहा हूँ क्योंकि इसमें डिस्प्ले प्रॉब्लम्स, हाँ दोस्तों, इंडियन यूनिट्स में भी थोड़े जो यूज़र्स हैं वो फेस करे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। इसका सेल भी डिले हुआ है, कुछ लोगों को मिल रहा है अमेज़ॉन पर, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, फ्लैश सेल चालू है, ओपन सेल की कोई अभी कन्फर्म न्यूज़ नहीं आई हुई है। तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स अभी 8 प्रो के रिलेटेड चालू है। आप में से बहुत लोग अभी वन प्लस 8 प्रो का प्लान बाय करने का प्लान ड्रॉप करने वाले हो, मुझे लगता है ऐसा। दूसरा फ़ोन लेने के बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन ऐसा होता क्या है दोस्तों कि हमें अच्छा अल्टरनेटिव मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है 8 प्रो का, तो अल्टीमेटली पीपल वेट ही करते हैं 8 प्रो के लिए। तो इस वर्ड में आपको दो अल्टरनेटिव्स बताऊंगा, ये डायरेक्ट अल्टरनेटिव तो नहीं है, हाँ लेकिन बहुत हद तक अच्छे अल्टरनेटिव्स हम इसे कह सकते हैं, और ये नॉन चाइनीज स्मार्टफोन से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, मैं मेरे सजेशंस दे रहा हूँ, मैं कोई भी ब्रांड या स्मार्टफोन प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अल्टीमेटली आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है। ओके, तो पहला अल्टरनेटिव है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite। ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है एंड मेन प्लस पॉइंट इसका जो है वो है, ये सैमसंग का फ़ोन है एंड इसमें हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और ना ही मिड रेंज स्नैपड्रैगन 855 जो लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर था वो हमें देखने को मिलता है। एंड एज़ कम्पेयर टू 865 दोस्तों, इतना जो परफॉर्मेंस हाई नहीं हुआ है 865 में, 855 भी डे टू डे यूज़ में काफ़ी अच्छा तगड़ा प्रोसेसर है। इसमें हमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा है एंड 8 प्रो में क्वाड कैमरा लेंस देखने को मिलता है, लेकिन कलर फिल्टर कैमरा मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ इतना इफेक्टिव नहीं है। हाँ आई नो S10 Lite 8 प्रो से अच्छा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी टक्कर वाला स्मार्टफोन है S10 Lite। अभी S10 Lite पर ऑफर भी चालू है, 4000 डिस्काउंट मिलता है अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड हो तो, आप ये जो ऑफर है इसे ले सकते हो। तो आपका जो इफेक्टिव प्राइस हो जाएगा विथ ऑफर 38000 आपको मिल जाएगा बेस वेरियंट एंड 42000 या 43000 तक आपको मिल जाएगा 512 GB वाला इंटरनल स्टोरेज वेरियंट। तो मुझे लगता है S10 Lite ये काफ़ी तगड़ा फ़ोन है और ये काफ़ी अंडररेटेड फ़ोन भी लगा है मुझे सैमसंग की तरफ से, क्योंकि सैमसंग इसे ज़्यादा इतना प्रमोट नहीं कर रहा है जितना ये अच्छा फ़ोन है। आप इसके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। S10 Lite दोस्तों काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन है, और स्पेशली इसका जो 855 वाला स्नैपड्रैगन है इसमें भी हमें पंचोल डिस्प्ले देखने को मिलता है, कैमरा भी इसका बहुत बढ़िया है, OIS सपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। इसका एक ही ड्रॉबैक है दोस्तों, ये ग्लास्टिक बिल्ड का है। तो ओके, अभी हम सेकेंड अल्टरनेटिव देख लेते हैं। आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे दोस्तों आईफोन 11, हाँ थोड़ा कॉस्टली आईफोन 11 है 8 प्रो से अगर हम कंपेयर करते हैं तो, लेकिन आईफोन दोस्तों आईफोन ही, आईफोन को कोई टक्कर नहीं दे सकता। इसका iOS एकदम बढ़िया है और इसका जो प्रोसेसर है वो भी एकदम बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि आप अगर 8 प्रो का हायर वेरिएंट लेना चाहते हो 60000 वाला, तो आप 4000 टू 5000 ऑफ पे करके आईफोन 11 बाय कर सकते हो। हाँ लेकिन आपको 64 GB वाला बेस वेरिएंट मिलेगा, लेकिन आपको अगर और जो इंटरनल स्टोरेज है वो चाहिए तो आपको थोड़ा एडिशनल पे करना होगा। लेकिन आईफोन 11 दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप एक नॉन चाइनीज़ 8 प्रो का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो तो आपके लिए आईफोन 11 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। तो ये रहे दो अल्टरनेटिव्स हम कह सकते हैं 8 प्रो के। अभी हम डिस्कस करेंगे आपको 8 प्रो की अल्टरनेटिव जो मैंने अभी आपको बताया वो क्यों कंसिडर करने चाहिए। पहला दोस्तों, आपको सेल नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है। मैंने एक पोस्ट भी डाला था कम्युनिटी टैब पर 8 प्रो को लेकर, मैंने उसमें आपको कहा था कि जिन्होंने भी बाय किया हुआ है वो क्या अपना रिव्यू दे सकते हैं क्या कम्युनिटी टैब पे। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना जो रिव्यू है वो डाला है कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है 8 प्रो को लेकर। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि थोड़े बहुत लोगों ने कहा है कि हमारे जो यूनिट्स हमें मिला है उसमें हमने डिस्प्ले प्रॉब्लम ये फेस किया है, ओवर हीटिंग प्रॉब्लम फेस किया है, इशूज़ है थोड़े इंडियन यूनिट्स में भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब यूनिट्स में आपको प्रॉब्लम आएगा, थोड़े थोड़े यूनिट्स में प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ यूज़र्स ने तो दोस्तों रिटर्न भी करवाया है या कुछ रिप्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसा गड़बड़ हो जाए 60000 के फ़ोन के साथ तो नॉट डन गाइस, क्योंकि हम ऑब्वियसली 60000 पे कर रहे हैं, 60000 छोटी रकम तो है नहीं, ये 60000 एक फ़ोन के लिए दे रहे तो वो परफेक्ट ही होना चाहिए। लेकिन इसमें 8 प्रो अगर आप अनलकी रहे और आपको वो वाला मॉडल मिल जाए जो डिफेक्टिव है तो आपके 60000 तो वैसे भी पानी में गए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कंसिडर कर सकते हो S10 Lite या आईफोन 11 या कोई अदर स्मार्टफोन जैसे कि MI 10, लेकिन आई पर्सनली दोस्तों मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा MI के स्मार्टफोन्स,
लेकिन अल्टीमेटली आपका मन है, आप डिसाइड करोगे आपके कौन सा फ़ोन लेना है। तो ओके गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए।